हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू पेट्स अर्थ। सो दोस्तों, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, इस वीडियो में फिंचेस हैं और मेरे जो जावा का एक पेयर है वो है। तो आज हम टोटली फिंचेस और जावा के ऊपर ही बात करेंगे इस वीडियो में। सो दोस्तों, अगर आप नए हैं चैनल पे तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फिंच ने अंडे वगैरह दे दिए थे, और मैंने फिर उसके बाद में 3 पेयर और फिंच के ऐड करे थे अपने सेटअप में। तो टोटली 6 पेयर अब हैं फिंच के, और एक पेयर है ब्लैक जावा, जिसको ग्रे जावा भी बोलते हैं कई लोग, और एक सिंगल है वाइट मेल, ठीक है। जो मेरे पास एक पहले ब्लैक जावा था मेल, वो कोई कारण से केज से निकल गया था, तो वो उसके बाद तो हाथ ही नहीं आया। तो मैं उसके बाद एक ब्लैक जावा और लेके आ गया था। अब एक है ब्लैक जावा और एक सिंगल मेल है, और इसी केज के अंदर 5-6 पेयर फिंच के भी मैंने डाले हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें जो फिंचेस मैंने रखी हुई है, उनमें से कई फिंचेस ने मछलियाँ पकड़ रखी है, नेस्टिंग चालू है, और 3 से 4 मछलियों में अंडे भी आ चुके हैं। जो पहले अंडे हुए थे फर्स्ट ब्रीड के, वो एक पेयर के ख़राब हो चुके थे। उसके बाद में उस टाइम सिर्फ एक ही पेयर ने अंडे डाले थे, ठीक है, फिंच ने। और अभी ऐसा है कि जो भी पेयर हैं उनमें से लगभग पेयर ने अंडे डाल रखे हैं और नेस्टिंग वगैरह कर रखी है। जावा का ये है कि जावा को नेस्टिंग मिल नहीं रही, और नेस्टिंग कहीं मार्केट में मुझे भी नहीं मिल रही, मैं बहुत घूम लिया। तो जावा को नेस्टिंग देनी है, बिना नेस्टिंग के आप जानते हैं जावा फिंच ब्रीडिंग करते ही नहीं है। मैं कई दिनों से नोटिस कर रहा हूँ जावा की एक्टिविटीज़, तो ये ब्रीडिंग मूड में है टोटली, तो इनको नेस्टिंग देना है बस, और ये इनकी ब्रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। वैसे दोस्तों, मेरा प्लान ये भी है कि मैं जावा के जो पेयर हैं उनको सेपरेट कर दूँ फिंचेस की कॉलोनी से निकाल के, तो ताकि ब्रीडिंग भी जल्दी हो और कोई डिस्टर्ब भी ना करें उनको। तो दोस्तों, मेरे पास केज वगैरह हैं, मतलब जो जाली से हैंडमेड केज होते हैं, वो मैंने एक बनाया था, उसमें मैंने अपना डाइल्यूट का लवबर्ड का पेड़ डाला है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं अपने डाइल्यूट लवबर्ड के भी बताऊंगा, जो मैंने न्यू पेड़ लिया है, ठीक है। तो 1.5x3 का मैंने पिंजरा बनाया है। तो मेरी इच्छा तो यही है कि मैं जावा के पेड़ को भी सेपरेट कर दूँ, सेपरेट ब्रीडिंग ही लूँ, बट देखते हैं दोस्तों। अगर जावा अगर यहीं ब्रीड कर ले तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो फिर इसको सेपरेट जरूर करेंगे हम। तो दोस्तों, आप सब लोग जैसा कि जानते हैं, जावा और फिंच का जो फीडिंग होता है, जो उनका खाना होता है दाना, वो सेम ही होता है, और सॉफ्ट फूड भी ये सेम तरीका ही खाते हैं, ठीक है। नेस्टिंग मटेरियल भी इनको सेम ही चल जाता है। तो इनको अभी मैं खाने में कंगनी दे रहा हूँ, और बॉइल्ड राइस दे देता हूँ, और एग फूड में बनाता हूँ हफ्ते में एक बार, वो एग फूड भी इनको दे देता हूँ। एग फूड, बॉइल एग को बस ग्रेटर से ग्रेट करके, और उसमें ब्रेड को बिल्कुल बारीक बारीक करके वो मैं दे देता हूँ। तो बड़े शौक से जावा और फिंच दोनों खाते हैं। तो दोस्तों, सामने जो आप देख रहे हैं ये वाइट जावा है, तो ब्लैक जावा का पेयर तो अलग करना ही है। वाइट जावा को मैं अभी हाल फिलहाल फिंच की कॉलोनी में ही रखूँगा, जब कोई फीमेल मिलेगी तब इसका पेयर बना देंगे। फिंचेस का तो ये चल रहा है कि आपको जैसे मैंने बताया कि अंडे आ चुके हैं, अंडों में से बस बच्चे निकलना बाकी है। मैं डिस्टर्ब करता नहीं हूँ ज़्यादा इनको, फिंच वगैरह को मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता, क्योंकि जितना इनको प्राइवेसी देंगे उतनी ये फास्ट ब्रीड करेंगे और अच्छी ब्रीड करेंगे।
तो दोस्तों इस पूरे सेटअप में मैंने जो मेरी छोटी सी कॉलोनी है जावा और जावा की और सिंक की, इसमें मैंने 7 मटकियाँ लगा रखी हैं, ठीक है, 7 मटकियाँ लगा रखी हैं, और जो जो ऊपर की मटकियाँ हैं वो फिंच वगैरह ने सब ने पकड़ ली है। जावा अभी ब्रीडिंग स्टार्ट करी नहीं है, इसको नेस्टिंग मटेरियल मिलने का ये मटकी वगैरह में घुसता रहता है, निकलता रहता है। तो दोस्तों जावा की ब्रीडिंग का फर्स्ट साइन यही है कि वो जो भी मटकी मचाएगा उसमें वो बार बार जाएगा, निकलेगा और मटकी सेलेक्ट करेगा। अगर दोस्तों जावा मेरे सेपरेट करने से पहले अगर इसने यहाँ ब्रीड कर ली तो फिर तो इसको यहीं पे रखना पड़ेगा, और अगर ब्रीड नहीं की तो इसको मैं 2-3 दिन के अंदर, मैक्सिमम 4 दिन के अंदर इसको मैं सेपरेट कर दूँगा दूसरे केज में, ताकि इसको कोई डिस्टर्ब ना करे। तो दोस्तों ये वही केज है जो मैंने कूलर से बनाया था, और इसी के अंदर मैंने फिंच और जावा डाल रखे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस यही था, फिंच और जावा की अपडेट आपको देनी थी, और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मैं अपने डाइल्यूट लवबर्ड जो मैंने नया खरीदा है उसके लिए अपडेट दूंगा आपको, और जावा के लिए न्यू केजी बनाएंगे उसका भी अपडेट आपको जल्दी ही दूंगा सेपरेट करने के रिगार्डिंग। सो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बने रहिए पैट्स यूट्यूब चैनल के साथ।